बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ. आई थिंक न्यू ईयर्स एक ऐसा मौका होता है जो साल की का अंत होता है, नए साल की शुरुआत होती है, तो सबके लिए उसके मायने बहुत स्पेशल रहते हैं. और मैं मानती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग न्यू ईयर के दिन पार्टी मनाते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. तो आई थिंक इट इज़ द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द ईयर एंड आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड बिकॉज हर साल मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ. एंड व्हाट अ बेटर वे टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर देन वर्किंग. इस साल डेफिनेटली हम लोग जो इस साल के सबसे बड़े हिट गाने रहे हैं उस पर परफॉर्म करने की पूरी मैं कोशिश करूँगी. अब हम तैयारी शुरू करेंगे, हम कोरियोग्राफर्स के साथ मीटिंग करेंगे, हम ऑडियंसेस पोल लेंगे कि उनको कौन से गाने देखने हैं. इस साल मैं मुंबई में परफॉर्म करूँगी तो मुंबई की ऑडियंसेस को माइंड में रख के उनके हिसाब के जो उनके फेवरेट गाने हैं उन पर परफॉर्मेंस. मैं मुंबई और मैं परफॉर्म कर रही हूँ ये जान के मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि आज 15 साल हो गए हैं. हर साल मेरा न्यू ईयर शो होता है और मैं अपनी फैमिली से अलग रहती हूँ. पहले जनवरी को उनको मिलती हूँ. इस साल मुझे कंट्री क्लब ने मौका दिया है बॉम्बे में परफॉर्म करने का, तो आज कंट्री क्लब फैमिली के साथ परफॉर्म करके मैं अपनी फैमिली को ज्वाइन करूँगी. और मैं इस साल इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली सरप्राइज्ड हूँ. मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैंने स्क्रीन पे शेयर भी किया था किसके साथ, जो एक्टिंग के जो महारथीज हैं, कीकू, श्रेयस, चंकी, जो कॉमेडीज़ के वेटरन हैं, मतलब दे आर द मास्टर्स ऑफ कॉमेडी. और मेरा एक्चुअली पहला एक्टिंग सीन था और कॉमेडी वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट जॉनर है और इनके साथ स्क्रीन पे शेयर करना मुझे तो लगा कि मैं फीकी लगूंगी, मगर आई एम हैप्पी दैट ऑल्ट बालाजी ने इतना भरोसा किया मुझ पे, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और वंडरफुल को स्टार्स डायरेक्टर. आई थिंक अच्छा लगा है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है. इट इज़ अ फिनोमिनल सक्सेस एंड आई एम वेरी एक्चुअली अपसेट कि मैंने इतना वक्त क्यों ले लिया ये करने में, बट देर आई दुरुस्त आई एम जस्ट हैप्पी पीपल आर लविंग माई वर्क. एब्सोल्युटली आई वॉन्ट टू विश ऑल द व्यूअर्स आउट देयर अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर. May the new years bring a lot of happiness, success, abundance, joy. Have a great time with your loved ones, with your family, and all the very best. हम तो बहुत excited हैं. आप क्या उतने excited हैं कि आप हमारे पीछे दिल्ली आएंगे? देखो आप देवीना को घुमा नहीं सकते. आप नहीं आएंगे, आपका टीम आएगा. बिल्कुल. तो कहीं पे भी रहे भारतवर्ष के कंट्री क्लब जिस तरीके से हर जगह है, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग भी हमारे मीडिया फ्रेंड्स हमें हमारे फैंस से जोड़ते रहते हैं. वी आर वेरी एक्साइटेड. जब भी आप एक नए रीजन में करते हैं तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है बिकॉज यू फील दैट यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू अ न्यू सेट ऑफ पीपल. तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं और हम एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज ही हमें मिस्टर रेड्डी ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं. तो ये हमारे लिए भी बहुत सरप्राइज था, पर बहुत मज़ा आया ये सुन के कि दिल्ली जा रहे. घूमी तो एकदम सुनते ही सुपर एक्साइटेड. हाँ, एक्चुअली दिल्ली आज ही नहीं जा रहे, 31st हम पहली बार परफॉर्म करने जा रहे हैं दोनों. हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट हमने कहीं बाहर किया लेकिन दिल्ली में नहीं किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रमोशन के लिए गए हैं लेकिन वहाँ के ऑडियंस के लिए कभी परफॉर्म नहीं किया. तो आई थिंक ये सबसे बड़ा सरप्राइज है हमारे लिए भी था. जो दिल्ली में जो हमें पसंद करते हैं वो आप सभी दिल्ली आ सकते हैं 31st को हमें लाइव परफॉर्मेंस करते हुए देखते हुए. ये एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया है रीमिक्स करने का. एक गाना हिंदी में, एक गाना बंगाली में. नहीं नहीं, एक ही गाना तो एक बार थोड़ा सा हिंदी में. अच्छा हाँ, विच इज़ वेरी गुड. हो सकता एक बंगाली गाने को पंजाबी तड़का डाल सकते हैं. नहीं नहीं, अच्छा आइडिया. इनफैक्ट देवीना तो बहुत अच्छा गाती है. देवीना को एक्चुअली एक तुम्हें म्यूजिक वीडियो लॉन्च करना चाहिए खुद गा के, जो बंगाली में गाऊंगी और लेकिन बीट होगा पंजाबी. हाँ, मैं बीट हिंदी में मैं डांस करूंगा. तुम हिंदी में डांस? स्टेज मैं नहीं संभालती हूँ, स्टेज इनके टीम संभालते हैं. बहुत परेशान हो जाते हैं हर बार गुरमीत के, मतलब हाथ पाँव जोड़ते हैं कि प्लीज़ आप ऑडियंस में मत उतरिए क्योंकि ऑडियंस को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो वो बाउंड्री टूट जाता है और ये फिर चले जाते हैं और उसके बाद से सारे ऑडियंस इतने खुश होके कूद पड़ते हैं. तो मतलब आई वुड थैंक देयर टीम, देयर लाइक सेट ऑफ
सिक्योरिटी पीपल जो पूरे क्राउड को भी कंट्रोल करते हैं प्लस इनको भी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई शो या फिल्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ लंबे बाल कर रहा हूँ, कुछ एक्साइटिंग है, आई होप सो कि जल्दी मैं आप लोगों को बता पाऊँ और जैसे सब कुछ होता है तो आप लोगों को बता पाऊँ। और बड़ी दिनों से, बहुत सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक कुछ नए लुक में वापस आऊँ, नहीं तो हमेशा जो कैरेक्टर्स मिलते हैं उसमें छोटे बाल करने पड़ते हैं। पल्टन में इतने छोटे करने पड़े कि मैं गंजा ही दिख रहा था, लेकिन अभी बाल लंबे किए हैं, तो डेफिनेटली जैसे ही कुछ होगा तो मैं आपको बता दूँगा। वेल आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड विद अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म बिकॉज 2018 has been so far very, very successful. All the shows, whether it is Diwali, whether it is Navaratri, whether it is even Halloween, which we celebrated recently. It's Halloween originated from Austria, and today, I mean, we were able to really evolve around such family-related concepts. In Dubai, I was there when Halloween started, and it was really an amazing hit. So what I'm trying to tell you is, this is a concept, you know, country club, where, you know, it can get people together and so many families. Aunties, uncles, grandpas, grandsisters, and you know all the kids, you know, they make it a huge platform. So, I mean, it's a big social revolution which Country Club is there, and I'm sure, I think a lot of people are going to have a big this thing. And 2019, I'm sure the way what how we are going is going to be a huge hit. I look at it very optimistically. Well, New Year आने वाला है और हम लोग बहुत excited होते हैं New Year पे, कहते हैं कि जब भी आप 31st को काम करते हो तो पूरा साल अच्छा जाता है, हमारा हर साल बहुत अच्छा जाता है क्योंकि 31st को हम perform कर रहे होते हैं, लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं लेकिन हम 31st को काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो अभी हम बहुत ही प्लान कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत कौन सी जगह पे जाएं, कौन से देश में हम घूमने जा रहे हैं, आप भी सजेशन दीजिए हमें कहाँ जाना चाहिए, जा चुके हैं ये चाइना के जाना चाहती हैं और ये भूल गई कि मैंने अभी इंडिया चाइना वॉर पे एक फिल्म की है और ये बहुत सीरियस हैं, वहाँ पे जाना चाहती हैं, और हाँ तो बहुत लड़ाई चल रही है। आप लोग को सजेशन अगर कुछ लगता है कि कहाँ जाना चाहिए 31st, तो प्लीज़ ट्वीट कीजिए इंस्टाग्राम में हमें, मैं तो जाना चाहिए कीजिए डेबिना डिकोड्स में, आप डिकोड करो कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं नहीं वो नहीं, हम इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, पर यहाँ पे पूछ लिए, आप लोग हमें बता दीजिए कि कहाँ जाना चाहिए। मैं तो जाना चाहती हूँ चाइना, हाँ, और ये जाना चाहते पता नहीं, नहीं मुझे अभी इंडिया चाइना वॉर पे की है फिल्म, मैं मुझे चाइना लेके जा रही है। और गुरमीत को बोला कि उनको टूरिस्ट वीज़ा नहीं देंगे चाइना से, तो अगर कोई इन्विटेशन दे हमें तो हम जा सकते हैं। आई एम टेलिंग रियली एवरीबडी, हाई दिस इज दबीना, हाई डियर दिस गुरमीत चौधरी, हम लोग न्यू ईयर पे परफॉर्म करने वाले दिल्ली में, और आप लोग भी अगर आ सके तो प्लीज़ जरूर आ जाइए, आना ही होगा, मतलब अगर आप रहेंगे तमिलनाडु में शायद आप नहीं आ सके, लेकिन आप लोग ज़रूर देखते रहिए, बिल्कुल इसी तरीके से सारे न्यूज़ चैनल भी वहाँ पे पहुँचेंगे क्योंकि आप देखना चाहते हैं और हमें कवर करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे कि हम लोग न्यू ईयर किस तरीके से मनाएंगे और आपका साथ हमारे साथ हो तो क्या बात है, हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर में सबसे पहले तो बस यही आता है कि न्यू ईयर का सबसे बेहतर इवेंट करना है, एंड आई गो दिस इवेंट कंट्री क्लब, एंड इट्स रियली वंडरफुल टू परफॉर्म ऑन द स्टेज बिकॉज ऑडियंस इज इनक्रेडिबल, इतना अप्रिसिएशन एक आर्टिस्ट को जो चाहिए होता है, प्यार जो चाहिए होता है वो मिलता है, सो दैट्स रियली ग्रेट, यू नो आपको अच्छा लगता है, जी मैं आई एम गोना बी परफॉर्मिंग इन पुणे, तो सॉन्ग्स जो है वो उसमें बिकॉज पुणे है, महाराष्ट्र है एरिया है, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा मराठी सॉन्ग्स होंगे, इंग्लिश हिंदी, बट आई पर्सनली लाइक दैट एक दो तीन सॉन्ग, सो मैं चाहती हूँ कि वो गाना उसमें हो, एंड या एंड उसके बाद डिस्कशन के बाद देखते हैं कि वो कैसे होगा, तीन चार परफॉर्मेंसेस एंड अराउंड हाफ एन आवर का परफॉर्मेंस के हिसाब से, सो या तैयार या जम के चलेगी बिकॉज 31st एक इवेंट होता है जिसमें अगर हम एनर्जी दिखाएंगे तो ऑडियंस एंजॉय करेंगे, एंड आई वांट देम टू आल्सो परफॉर्म एंड एंजॉय द होल इवेंट एंड हैव फन। सॉन्ग्स अभी सी डिस्क्लोज कर सकते हैं ऐसा कोई नहीं है, बट अभी तक हमने डिसाइड करना पड़ेगा उसके लिए, एंड कोरियोग्राफर्स के साथ में बैठ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि बिकॉज सबके मिक्स मैच, सबके सेम सॉन्ग्स रिपीट भी ना हो, एंड यू नो अपने अपने गाने हो अलग अलग से सॉन्ग्स हो सबके, तो वो ध्यान में रख के फिर होगी परफॉर्मेंस। या आई वुड लव टू विश यू ऑल द बेस्ट न्यू ईयर, एंड एक अपना रेजोल्यूशन बनाइए और सबसे बेहतर बनाइए, और क्या मेक अ बेटर लाइफ, दैट्स ऑल।